हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आज फिर एक बार नुकसान हो गया है। वो कैट जो है, बनबिलाव जो है, वो आकर के अटैक किया। वो किस वजह से, जितने भी हम यहां पे उपाय कर रहे हैं कि इसके बाद ऐसा मत आए, इसके बाद ऐसा, जैसे कि दिन में ये लोग इधर घूमते रहते थे तो वो आता था, समझिए, है ना। तो उसके लिए हमने अलग से फिर किनारे किनारे में बाउंड्री वाल थोड़ा ऊंचा कराया और जाली वगैरह लगवाया था, उससे भी वो नहीं माना। उसके बाद फिर अभी आ रहा है तो उसके लिए हमने ये ट्रैप वगैरह लगाया, ठीक है। और ट्रैप में तो आप फंस ही नहीं रहे। उसके बाद एक दिक्कत और आ रही है कि देखिए, ये यहाँ पर जो हमारा जो पुराना जो सेट था, ये पुराना सेट जो हर साल रिपेयरिंग मांगता है, देखिए ये यहाँ पर फट गया है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये ऊपर का जो सेफ है इसका, ये खुल गया है ऊपर का सेफ। अब वो वहाँ से नीचे जंप करता है और वहाँ से सब चीज़ को पकड़ता है नुकसान। तो ऐसा बिल्कुल होने ही ना दें। उस वजह से हमने एक वहाँ पे जो फार्म बनाया है, वो वाला फार्म अब ऊँचा हो गया है, बहुत ऊँचा। अब वहाँ पे जानवर चढ़ाना मुश्किल हो रहा है। उसके लिए फिर हमने यहाँ पर, को आपको दिखाते हैं, हसील था वहाँ पे, हसील ने फिर अंडे चालू कर दिए। लेकिन उसके बाद भी हमको हसील को फिर हटाना पड़ गया, क्योंकि जो गिने चुने जो बदक बचे हैं हमारे पास, उनको यहाँ पे डालना पड़ेगा बोल करके। इस जगह पे तो सब बेकार है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे अंडे हैं, ये देखिए, ये रातों रात गायब हो जाएंगे। अब इसको इंक्यूबेटर मशीन में डालना पड़ेगा, समय थोड़ा सा अभाव है। ये देखिए, ये वाला जो रूम है, इस रूम पे अब बदक रखेंगे। ये हसील को यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ठीक है। गर्मी इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि क्या बताएं आपको। अब उधर से जाके पर्दा अगर नहीं हटाएंगे तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। कम से कम कुछ साफ़ हवा तो पास होगा। ये देखिए हसील, ठीक है। टर्किश लोगों को, इसके बाद टर्की लोगों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब ये वाला जो फार्म है, इस फार्म में अगर, समझ जाइए कि ऊपर का जो शेड है ये तो टूटा हुआ ही है। यहाँ पर अभी हम एडवेस्टर लगवाने वाले हैं। बिना एडवेस्टर लगवाए अब और काम शुरू नहीं करेंगे, जब तक मजबूती नहीं होगी। मैं अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ देख करके भी सीखना चाहिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हर कोई ऐसा गलती कर करके सीखे तो फिर आगे कोई नहीं बढ़ेगा। तो हमारी गलतियों को देख करके सीखिए, क्योंकि इस जगह पे ना तो बनबिलाव था ना कुछ था, एरिया भर पूरा खाली था। कंटिन्यू 5 साल बहुत अच्छा चला, और इस 5 साल में हमको सीखने सिखाते समझने में लगा, जो समय लगा। जब काम जम गया और काम को बढ़ाना चाह रहे थे, उस समय में ये वाली समस्या आ गई। अब ऐसा है, अब अगर हम इसको जितने भी अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, कहना चाहिए कि एडवेस्टर या टीन अगर नहीं डालेंगे उस टाइप का त्रिपाल, तो अब बनबिलाव को उसको आदत लग गया है, उनके नाखून पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो त्रिपाल को हटा करके अंदर चला जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे रखना ठीक नहीं है। उसने बहुत टाइप का नुकसान किया है, इतना नुकसान किया है कि हम आपको बता नहीं सकते। फर्स्ट टाइम में जब आया, उस समय में वो अलग से मार करके बहुत नुकसान किया, बहुत बहुत। इसके बाद अभी उसकी वीडियो है पहले वाली हमारी, इसके बाद अभी का जो प्रॉब्लम है वो आपको अभी दिखाएंगे कितना मारा है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप काम कर रहे हैं, फार्म बना रहे हैं, तो इतना मजबूत बनाइए कि उसके अंदर में कुछ घुस ही ना सके। ऊपर बकायदा एडवेस्टर हो, टीन हो, ठीक है। आप मुर्गी पाल रहे हैं, ऐसा सोच करके बिल्कुल ना बनाइए। आप बनाइए तो ऐसा बनाइए कि भाई हमको रहना है, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। जबकि एक या दो कंटिन्यू ले जाता ही है अभी वो। देखिए, हमने ये ट्रैप लगाया था, इससे पहले भी आपको हमने ये ट्रैप बताया था। अब पता नहीं क्या संजोग है कि इस ट्रैप के अंदर आ ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसको मसाला बहुत मिल रहा है आसपास में, इतना ज़्यादा इसको यहाँ पे सामान मिल रहा है, वो इसके अंदर में जानबूझ करके आएगा क्यों, ठीक है। लेकिन दोस्त, पकड़ेंगे तो ज़रूर उसको, है ना। जब सब तरफ से उसको खाने को मिलेगा नहीं, और यहाँ पे जब वो रहेगा मुर्गी, तो एक समय में आएगा ही। वो जाली उठा हुआ है, उस पर जैसे ही पैर रखेगा इधर से दरवाज़ा गिर जाएगा।
तो ये है सिस्टम, ये देखिए ये बच्चे हैं, इसी को रात में लगाते हैं। और ये देखिए इनके ऊपर अटैक किया है, ये जो देख रहे हैं आप, ये मेल था, बड़ा मेल, ठीक है, ये गया पूरे वाइट कलर का मास्क को भी। इसको कैसे मारा है देखिए, इसको मार के आधा खाया है ना। और ये मुर्गी अंडे पे बैठी थी, देखिए कैसे गला काटा है। तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है, ये इतनी ख़राब आदतें हैं इनकी, एक बार लग गया है। अब देखिए वो लेके तो जा सका नहीं उसको, है ना, उसको लेके तो जा सका नहीं, वो नाश्ता करके गया है, अब रात को खाना खाने आएगा। उसको मारा, उसका बहुत हार्ड था, उसको खाते बना नहीं उसको। अब विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, 40-42 मुर्गियों में सब सांप, सब सांप, बचा ही नहीं कुछ, मुश्किल से एक या दो मुर्गा या मुर्गी जो इस पेड़ पे रहते थे, चिकू वाले पेड़ पे, शायद वहाँ पे बचे होंगे। अब दिमाग उमाग भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम जितने टाइप का उपाय निकाल रहे हैं ना, वो उतने टाइप का तोड़ निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये धूप गर्मी की वजह से थोड़ा फट गया है, लेकिन उसका उपाय देखिए, पहले वो वहाँ से ले जाता था सोलर के उस तरफ से, फिर यहाँ से ले जाना शुरू किया, अब यहाँ से ले जाना शुरू किया। तो ऐसा करते रहने से मुश्किल है, आज देखते हैं उधर शिफ्ट करेंगे। करीबन करीबन 27-28 बच्चे थे मास्को के, हमारा कलेक्शन भी बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अब क्या बोले, जान दीजिए दोस्तों, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। कभी नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी के साथ आएंगे, आप लोगों से अच्छे से बात करेंगे। आज तो आप लोगों को देख के, मेरी आवाज़ सुन के ही लग रहा होगा कि मूड नहीं है, फिर भी हम बोले आप लोगों को बताना ज़रूरी है क्या लापरवाही होती है और कहाँ से क्या प्रॉब्लम आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद सलामत रहें और ऐसे जानवरों से बचा के रखें। धन्यवाद, नमस्कार।